सो हे सो गाइस इट्स मी वॉन्ट यू हियर बैक इन द वीडियो। सो यार कैसे हो सब लोग। सो यार जैसे देख सकते हो आज जो है मैं कैमरा पर वीडियो नहीं बना रहा बिकॉज कुछ दिनों से वैकेशन लिया हूँ एंड भाई हालत ख़राब है पूरा बॉडी का, इसीलिए जो है बना नहीं पा रहा वीडियो को कैमरा पे। तो इसको छोड़ दें, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो रिसेंटली मुझे एडेक्स प्ले एड नेटवर्क का एक पेमेंट मिल गया है जिससे पता चल रहा है कि एड नेटवर्क 100% जेन्युइन है, पेमेंट देता है। ओके तो एडेक्स प्ले एड नेटवर्क क्या है, कैसे काम करता है, कितना कुछ इसका सीपीसी रहता है, सीपीएम कितना कुछ रहता है, कैसे जो आपको इंडिया में पेमेंट मिलता है एंड कितने दिन में पेमेंट मिलता है, ये सभी फुल डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। फुल डिटेल ये एडेक्स प्ले एड नेटवर्क का एक डिटेल रिव्यू होगा। तो चलो उस पीसी में चलते हैं, फुल डिटेल में बताता हूँ एडेक्स प्ले एड नेटवर्क के बारे में एंड आप कैसे इसको अपने साइड में यूज कर सकते हैं, सब कुछ इन डेप्थ डिटेल में बताएंगे। तो चलो इस वीडियो से शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स बिगिन गाइस। सो हे सो गाइस वेलकम बैक टू माय पीसी। तो यार क्रोप टाइम पे यहाँ पे देख सकते हो edxplay.com, ये edxplay एड नेटवर्क का ऑफिशियल साइट खुला है एंड जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये जो है एक ECPC नेटवर्क है, ECPC एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है। ओके तो ECPC का मतलब ये है कि इफेक्टिव कॉस्ट पर क्लिक नेटवर्क, आपको क्लिक के ही पैसे मिलते हैं एंड जो क्लिक्स जो है उनको एड मतलब उनका कुछ फ़ायदा होता है, इफेक्टिव क्लिक्स होते हैं उन्हीं के ही पैसे मिलते हैं। ओके तो नॉर्मल जितने एडसेंस मीडिया डॉट एडसेंस साइट में आपको CPM का भी पैसा मिलता है, लाइक एड शो होने का पैसा मिलता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, आपको क्लिक्स के ही उसे ओनली पैसे मिलते हैं। ओके तो यहाँ पे इसके बाद जो थोड़ा नीचे चले आते हैं यहाँ पे इनका जो है फीचर वगैरह दिखाएगा कि मोर मोनेटाइजेशन, हाई कन्वर्जन रेट, वन टाइम पेमेंट, पेपल से पेमेंट मिलता है, ब्ला ब्ला ब्ला। देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट पेपल से मिलता है, 3 से 15 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाता है। देन इसके नीचे जो है अर्निंग रेट्स आ जाते हैं, देख सकते हो अर्निंग रेट पे यहाँ पे जो है टायर 1 कंपनी में मिनिमम $20 CPC ECPC दे रहे हैं ये लोग, देन टायर 2 में $10। हमको इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है बिकॉज हमारा इंडिया है जो कि टायर 3 में आता है, हमारा जो है ECPC बन जाता है वो $2 का ही ओनली मिलता है। तो भाई बहुत हमारा क्या ही बताएं हम दुख हमारा इंडिया का भाई। ओके तो देन इसके बाद जो है कॉन्टैक्ट एरिया में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप सभी जगह पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना, बहुत जल्दी ये लोग रिप्लाई दे देते हैं, अच्छा खासा जो है इसका सपोर्ट सिस्टम है। ओके तो इसके बाद आ जाते हैं ये एड कैसे शो करता है। ओके तो ये जो है एडेक्स प्ले जो प्ले इट एक ऐप है प्ले इट बोल के, ओके ये एक प्लेयर है, एक वीडियो प्लेयर है प्ले इट। ओके तो ये प्ले इट प्लेयर का 100 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड है। तो ये क्या करता है एडेक्स प्ले एड नेटवर्क, ये प्ले इट प्लेयर का ही एक एड नेटवर्क है। जितने भी लाइक वीडियो साइट होते हैं जहाँ पे वीडियो होता है, मूवी साइट होते हैं, देन जो है फाइल अपलोडिंग साइट होते हैं, वैसे साइट पे जो है ये अपने ऐड शो कराता है। देन उसी ऐड को जो भी क्लिक करता है उस वीडियो जो वीडियो दिया होगा वो ऐड शो कराएगा, देन वो ऐड को जो भी क्लिक करेगा वो सीधे ही प्ले इट प्लेयर में खुलता है एंड जो भी लिंक जो भी क्लिक ये प्ले इट प्लेयर में खुलेगा ओनली उसी का ही जो है क्लिक काउंट होगा एंड आपको पैसे मिलेंगे जो कि ये लोग बोलते हैं इफेक्टिव क्लिक। ओके देन बाकी जितने भी क्लिक होंगे उसके पैसे नहीं मिलेंगे। एंड एक चीज बता दूं, ये जो है नेटवर्क इसका एड ओनली मोबाइल डिवाइसेस पे ही शो होता है, PC पे या फिर बाकी जितने भी डिवाइस होते हैं उन सभी में शो नहीं करता है, ओनली मोबाइल पे शो करता है जिसमें कि प्ले इट प्लेयर ऐप जो है इंस्टॉल होना चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो उसके जो है सीपीसी के आधे पैसे के करीब आपको मिलता है। ओके जैन जो भी बंदा इंस्टॉल किया होगा प्ले इट प्लेयर वो क्लिक करते ही वो जो है जो वीडियो होगा वो आपके जो है मोबाइल डिवाइस पे प्ले हो जाएगा तो एंड आपका जो है क्लिक काउंट हो जाएगा। ओके तो जितने भी लाइक एडेक्स पीडिक्स प्ले पीडिक्स शॉर्टनर साइट थे वो सभी लोग ये सभी चीज़ें यूज़ कर रहे थे। एडेक्स प्ले नेटवर्क पीडिक्स शॉर्टनर साइट एंड टेलीग्राम में बहुत ज़्यादा फेमस है ये जो है एड नेटवर्क। ओके तो जितने भी लोग टेलीग्राम लिंक यूज़ करते हो, टेलीग्राम में आपका चैनल है तो वो सभी लोग एडेक्स प्ले तो यूज़ कर रहे होंगे एंड आपने नहीं किया है तो मैं बता दूँ एडेक्स प्ले यूज़ करने के लिए आपको एक पीडिक्स URL शॉर्टनर बनाना पड़ता है। जैसे कि ये देख सकते हो hypeserver.com, ये कैसे बनाते हैं ऐसा एक शॉर्टनर साइट जिसमें आप जो है पीडिक्स के लिंक जो है शॉर्ट कर सकते हो एंड जो भी लिंक आपको शॉर्ट करोगे मतलब कि जो भी लिंक शॉर्ट करोगे कुछ ऐसा ओपन होगा एंड आप अगर PC में ओपन करोगे तो यहाँ पे कोई भी ऐड आएगा नहीं एंड आप इसको मोबाइल पे ओपन करते हो जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे आप ऐसे मोबाइल पे ओपन करते हो ऐड को देन यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड एंड प्ले इट ऑनलाइन का ऑप्शन है। तो सिंपली प्ले इट ऑनलाइन को जो भी क्लिक करेगा ये जो है प्ले इट प्लेयर में खुल जाएगा ऐसे एंड आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा एंड आपको जो है क्लिक्स के पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसे ही जो है आप एक पीडिक्स URL शॉर्टनर बना सकते हो। इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए हूँ, चैनल पे यहाँ पे आ रहा होगा एंड चैनल पे मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से देख लेना कैसे बनाते हैं वो पता चल जाएगा आपको। ओके इसको क्लोज करते हैं। अभी जितने भी लोग उस ऐड को क्लिक करेंगे एंड प्ले करेंगे उन्हीं का जो है CPC काउंट होगा, बाकी जितने भी क्लिक्स होंगे उनका CPC काउंट नहीं होता है। ओके तो
ये तो भाई कुछ स्पेसिफिक यूज़र को टारगेट कर रहा है। तो सीधे ही लॉगिन कर देते हैं, इसका एडमिन पैनल कैसा है देख लेते हैं। तो सिंपली मैं जो है मेरा अकाउंट लॉगिन कर देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करते ही जो है पहला पेज जो आपका आता है स्टैटिस्टिक का एरिया आता है, मतलब कि क्लिक्स कितने हैं, लिंक कितने हैं, सीपीसी कितने जनरेट हो रहे हैं, अर्निंग कितना आ रहा है, वो सब यहाँ पे बता देता है। तो मैं कुछ दिनों से लाइक ये जो है मैं यूज़ नहीं कर रहा था, बिकॉज मैं पेमेंट के लिए रुका था भाई, पेमेंट मैं विड्रॉ एक ले लिया था, देन उसके बाद मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा था ताकि पेमेंट मिलने के बाद मैं कॉन्फर्मेशन के बाद फिर से यूज़ कर सकूँ। तो अब यूज़ करना स्टार्ट कर दूंगा मैं फिर से। तो मैं पहले आपको ये सभी दिखाने से पहले मैं जो है एक पेमेंट प्रूफ दिखा देता हूँ। तो इसका जो पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट एरिया में चलते हैं, यहाँ इसका जो पेमेंट है मिनिमम पे आउट है $1 है। तो $1 आप कभी भी पेपल से, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कभी भी ना लेना, बिकॉज $1 आप पेपल से पेमेंट लोगे तो आपका ट्रांजेक्शन चार्ज आधा डॉलर के करीब कट जाएगा, एंड आपका जो लास्ट में आपको अकाउंट में आएंगे वो $1 का चार भाग में एक भाग, मतलब $1/4 ही मिलेंगे आपको। ओके, तो $1 कभी भी नहीं लेना, $2-3 से ऊपर ही लेना। ओके, तो इसके लिए जो मैं जो है $2 का पे आउट लिया था, $2 जब मेरा हो गया तो मैंने पे आउट जो है ले लिया था। यहाँ पे देख सकते हो विड्रॉल में मैंने $2 का पे आउट 10 तारीख को लिया था, 10 तारीख को देख सकते हो 10 छः को मैंने लिया था, एंड मुझे जो पेमेंट मिला वो है 17 तारीख को मिला, देख सकते हो 17/6 को मुझे जो है पेमेंट मिला। तो भाई बहुत टाइम लगते हैं, लगभग 7 दिन के करीब लग गया मुझे, एंड इन लोगों ने जैसे वेबसाइट में बताया था 3 से 15 दिन लगते हैं पेमेंट मिलने में, बोला बिल्कुल ही सच है, आपको 7 से 10 दिन तो लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पेपल खोल लिया हूँ, देख सकते हो यहाँ पे जो है मुझे जो है वो पेमेंट मिला 17 तारीख को, देख सकते हो यहाँ पे, एंड ये जो पेमेंट मिला है मुझे चाइना से मिला है। आई डोंट नो चाइना से क्यों मिला है, बिकॉज ये जो है प्लेयर है ये चाइनीज है मे बी, तो इसीलिए जो है मुझे चाइना से पेमेंट मिला है। एंड देख सकते हो ये जो आईडी है भाई चाइनीज में लिखा हुआ है कुछ, एंड यहाँ पे मुझे $2 का कट के, मतलब कि पेपल चार्ज 0.46 USD तो कट गया, एंड मुझे जो लास्ट में मिला 1.50 USD मुझे पेमेंट मिल गया। तो भाई पेमेंट दे रहा है, अच्छा खासा पेमेंट आ रहा है। ओके, यहाँ पे एडेक्स प्ले कॉर्पोरेट फीस यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में। ओके, तो ये तो हो गया पेमेंट की बात की, ये एड नेटवर्क जो है पेमेंट देता है, पेमेंट प्रूफ आपको दिखा दिया पूरा, मतलब कि 100% जेन्युइन एक एड नेटवर्क है। ओके, देन यहाँ पे सीपीसी पे आते हैं, स्टैटिस्टिक एरिया में चलते हैं, सीपीसी दिखा देता हूँ आपको क्या कुछ सीपीसी है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं जब भी यूज करना स्टार्ट किया तो मेरा जो है बेसिक सीपीसी था, मतलब स्टार्टिंग सीपीसी था $1 का सीपीसी था। ओके, देन दूसरा दिन भी $1 का सीपीसी था। सीपीएम को नहीं देखते हैं बिकॉज इस सीपीएम के हमको पैसे नहीं मिलते, ये जितने भी काउंट हो रहे हैं ये पैसे नहीं मिलते भाई। ओके, तो यहाँ पे सीपीसी पे दिखा देता हूँ आपको। दूसरा मतलब तीसरा दिन जब मेरा ट्रैफिक आना शुरू हो गया तो यहाँ पे $1.2 का मेरा सीपीसी चला गया, $1.22, जो कि लाइक एडसेंस भी नहीं देता है इंडिया में उतना सीपीसी। ओके, ये दे रहा है। ओके, देन इसके बाद तीसरा दिन भी $1 सीपीसी, देन ऐसे ही लाइक 2-3 दिन फिर सीपीसी रहा, बीच में एक दिन लाइक $3-3.5 का सीपीसी चला गया था भाई, पता नहीं कैसे आया बट बहुत ज़्यादा सीपीसी आ गया। तो ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, एंड $1 का डिफॉल्ट आ गया यहाँ पे देख सकते हो। अभी अगर आप मतलब कि ये न्यू अकाउंट क्रिएट करोगे देन यूज़ करोगे तो आपको सीपीसी लाइक $1 से थोड़ा कम मिलेगा, बिकॉज ये जो है एडेक्स प्ले का अभी यूज़र बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एंड ये लोग ने जो है सीपीसी थोड़ा कम कर दिया। फिर भी देख सकते हो $1 का सीपीसी मिल रहा है, जो कि बाकी जितने भी एड नेटवर्क होते हैं लाइक प्रोपेलर एड, अगर ए एड्स, इन सभी से बहुत ही ज़्यादा है। ओके, एंड अब बहुत ही अच्छा एड नेटवर्क है, मैं बताऊंगा अगर सीपीसी के हिसाब से चलो तो बहुत ही अच्छा एड नेटवर्क है, बहुत ही सही एड नेटवर्क है। ओके, तो भाई आपको सीपीसी सीपीएम तो बहुत ही अच्छा मिल जा रहा है, एंड आपका अगर टेलीग्राम चैनल में बहुत ही ज़्यादा क्लिक्स आएंगे आपके, तो बहुत ही अच्छा अर्निंग, आपका अच्छा खासा अर्निंग कर लोगे आप। अगर आप एडसेंस यूज़ करते हो तो उतना अर्निंग आपको एडसेंस पे भी नहीं होगा अगर आप जितना कि ये एड एक्सप्ले में आपका हो जाएगा, एंड पे आउट तो $2 है, आप ट्राई ही कर लो, खुद ही ट्राई कर लो आपको पैसे का पेमेंट कैसे मिलता है, एंड पे आउट ले लो $1-2 का, देन उसके बाद जो हैवी पेमेंट लेना। मैं रिकमेंड करता हूँ स्टार्टिंग में कभी भी मतलब कि हैवी पेमेंट नहीं लेना, बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं लेना, स्टार्टिंग में एक मिनिमम पे आउट निकाल देना, देन उसके बाद जो है जब आपका ट्रस्ट आ जाए नेटवर्क पे तभी यूज करना आप। ओके, देन इसके बाद अन के सेक्शन पे चलते हैं, आपको जनरेट करने के लिए लाइक कुछ के लिए एड कोड जनरेट करने के लिए सिंपली क्रिएट सेटिंग पे क्लिक करना होता है, देन एक नेम देना होता है, देन गेट कोड पे क्लिक करना पड़ता है, देन कोई भी साइट का आपको जो है यहाँ पे लिंक दे देना पड़ता है। जैसे मैं अपना साइट का लिंक दे देता हूँ hypeserver.com। जैसे ही गो एनालाइज पे क्लिक करोगे थोड़ा लोड लेगा, देन आपको जो है एक ऐड कोड मिल जाएगा यहाँ पे, थोड़ा वेट कर लेते हैं 1-2 सेकेंड,
तो ऐसा कुछ आपको एक एड कोड मिल जाता है ये, एंड ये जो एड कोड मिलता है इसको आप अपने साइड में यूज कर सकते हो। एंड जब भी आप इसको साइड में यूज करोगे तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है प्रीव्यू में, आप देख सकते हो कुछ ऐसा प्ले ऑनलाइन एंड डाउनलोड का आता है, यही इसका एड है। एंड जो भी बंदा इसको क्लिक करेगा इसके प्लेयर में खुलेगा एंड आपका जो है क्लिक्स काउंट होंगे। तो ऐसे ही जो है इसका एड नेटवर्क काम करता है, आपको पैसे वगैरह मिलते हैं। ओके, तो ये था यार एडेक्स प्ले एड नेटवर्क का फुल रिव्यू। एंड देख सकते हो आज भी आज के डेट में बहुत ही अच्छा खासा CPM दे रहा है। एंड आप कमेंट करो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, मैं जो है इसका और एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बताऊंगा एंड उसमें पूरा डिटेल में दिखाऊंगा कैसा कुछ पेमेंट दे रहा है, कैसे ऐड कोड का यूज़ करते हैं, सब कुछ बताऊंगा। आपका जो जो कमेंट किए होंगे उसका भी आंसर बताऊंगा उस वीडियो में। तो यही था एडेक्स प्ले एड नेटवर्क का फुल रिव्यू। एंड सो गाइस, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना एंड जो भी डाउट है भाई कमेंट करो, मैं कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।